वेलकम टू स्टूडियो गुलशन आर्ट। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि एक ही फाइल के अंदर अलग अलग फ़ोटो कैसे फिल करेंगे पासपोर्ट साइज के। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा है इमरान रजा हनफी ने, ठीक है। अलग अलग फ़ोटो हो तो क्या करें, मीन्स इनका क्वेश्चन था कि अगर अलग अलग फ़ोटो हो और एक ही फाइल में हमको फील करना है तो हम कैसे करें, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह कैसे, एक 68 की फाइल है, यहाँ चार ब्लैक एंड वाइट, चार दूसरे हैं, चार नेम डेट वाले और ये चार अलग नेम डेट वाले, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करें, चलिए मैं बताता हूँ इसका आपको तरीका, ठीक है। बड़ा ही इजी है, इसको तो हम बंद कर देते हैं, देन न्यू फोटो ओपन करते हैं। एक ही फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, एक ये, ठीक है, देन ओके। अभी करना हमको वही है, क्राप करना है, ठीक है। मैं वीजा साइज ले लेता हूँ 1 इंच में एंड हाइट 2, ठीक है। इसको मैंने क्राप किया, देन इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने के भी मैंने आपको अलग तरीके बताए हैं, ठीक है। इसमें मैं दोनों फ़ोटो में अलग बॉर्डर, अलग तरीके से बॉर्डर देके बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट में जाके आल करना है या कंट्रोल ए कीबोर्ड में प्रेस करना है, देन कंट्रोल टी फिर आपको प्रेस करना है, जिससे सिलेक्शन आ जाएगा छोटा बड़ा करने का, ठीक है। तो यहाँ पूरी सेटिंग आ जाती है इसकी, तो यहाँ विड्थ आपको 90 कर देना है, देन हाइट भी आपको विड्थ 90 एंड हाइट भी 90, ओके। देन आपको इंटर प्रेस करना है या डबल क्लिक करना है, ठीक है, फ़ोटो ऐसा हो जाएगा। अभी आपको एडिट में जाके स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक देंगे, ठीक है, हम 2 या 3 का, ठीक है, 3 कर देते हैं, देन ओके। तो देखिए एक अच्छी सी बॉर्डर बन गई। अभी आपको इसको डिफाइन पैटर्न करना है, एडिट में जाना है, देन डिफाइन पैटर्न, ओके करेंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें आधे नेम डेट वाले फ़ोटो भी बन जाए, तो हम नीचे का एरिया सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे डिलीट प्रेस करेंगे। जैसे डिलीट करेंगे यहाँ बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। तो हम नाम लिख सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पूरी ये जो बाउंड्री है इसमें पूरी एक बाउंड्री बन जाए, पूरी बॉर्डर बन जाए तो अच्छा लगेगा। तो हम एडिट में जाके यहाँ स्ट्रोक में, ठीक है, वापस 2 का स्ट्रोक दे देंगे, यहाँ कलर ब्लैक रखेंगे, ठीक। देखिए ये पूरी बॉर्डर बन गई। अभी हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, टेक्स्ट टूल लिया, ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया, देन इसी के नीचे इसकी कॉपी करके मैं डेट डाल दूंगा, अभी यहाँ अपनों को मर्ज कर लेना है, लेयर मर्ज करना, ठीक है। आपने सिलेक्ट की और कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो ये लेयर मर्ज हो जाएगी। इसके बाद आपको इसका भी डिफाइन पैटर्न कर देना है, एडिट में जाना है, देन डिफाइन पैटर्न, ठीक है। आपके 2 पैटर्न तैयार हो गए, एक सिंपल एक नेम डेट वाला। अभी हम इस फोटो में आ जाते हैं, इस फोटो को भी हम क्राप करेंगे, ठीक है, क्राप कर लिया। देखिए अब मैं बॉर्डर देने का दूसरा तरीका बताता हूँ, सिलेक्ट में गए, आल किया, ठीक है, यहाँ एडिट में जाके आपको स्ट्रोक, ठीक, यहाँ पे विथ, क्योंकि ये रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। हमने जब क्राफ्ट किया था फ़ोटो तो 300 का रेजोल्यूशन था, तो हम यहाँ स्ट्रोक देंगे विथ में 40, ओके, तो सेट होगा। अगर आप 200 रेजोल्यूशन रखें तो लगभग आपका 25 या 24 स्ट्रोक होगा, तब जाके इतनी बॉर्डर बनेगी, ठीक है। अभी ये ब्लैक बॉर्डर हो गई, वापस आप स्ट्रोक में जाएंगे, देन यहाँ 35 कर देंगे और यहाँ जो कलर है वो आप वाइट सिलेक्ट कर लेंगे, ये सेंटर ही रहेगा, देन ओके। देखिए अच्छी सी बॉर्डर बन गई।
अभी आप इसको एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर देना है, ठीक है। ये आपके तीन पैटर्न तैयार हो गए। अब चाह रहे हैं आपके इसका एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी बनाया जाए, तो आप इमेज में जाके डिसेचुरेट कर दिए शिफ्ट कंट्रोल यू, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब आप इसको भी डिफाइन पैटर्न कर दें, ठीक है। हमने चार डिफाइन पैटर्न किए। अभी नई फाइल हमको लेना है 6x8 देन रेजुलेशन 300, क्योंकि हमने क्राफ्ट फोटो किया था तो रेजुलेशन 300 था। जो क्राफ्ट का रेजुलेशन हो वही हमको नई फाइल में लेना होता है, ठीक है। आपने नई फाइल ली। अभी देखिए हीलिंग टूल्स, हीलिंग ब्रश टूल्स मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पैटर्न स्टाम्प पे जाता हूँ, ठीक है। और एक एक प्रोसेस होती है फ़ोटो रखने की, तो वो तो आप रख ही लेंगे, इधर से मूव टूल से ले जाके उधर रखना ही है। मैं यहाँ पैटर्न स्टाम्प टूल बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ये पैटर्न खुल गया है। अब आपको ये 1 2 3 4 मैंने लिए हैं, तो आपको केवल ब्रश घुमाना है, ठीक है। अभी आपको इतना एरिया सिलेक्ट करना है चार फोटो का, ठीक है। वापस आपको टूल्स लेना है, दूसरा पैटर्न आपको सिलेक्ट करना है, देन यहाँ, ठीक है। ऐसे ही आप तीसरा हिस्सा भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ आप एक नेम डेट वाला फोटो फिल कर देंगे, ठीक है। अब बचा ये आखिरी का हिस्सा, इसमें भी हम ये चौथा फोटो जो फर्स्ट वाला हमने किया था, ये सिंपल सा बिना नेम डेट वाला, ठीक है। तो देखिए ये एक ही फाइल में चार अलग अलग तरह के फोटो फिल हो गए। आप चाहे तो ये पूरे 16 फोटो बने हैं एक 6x8 की साइज में, तो 16 ही फोटो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो हो गया पैटर्न स्टाम्प टूल्स, सेम हीलिंग ब्रश टूल्स का भी सेम ही काम है, ठीक है। अभी अगर हम पेन बकेट टूल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ थोड़ी प्रोसेस अलग हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या होगा कि अगर आप डायरेक्ट फिल करते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि अब पहले से ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो ये देखिए पैटर्न मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन करता हूँ, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ क्या करना होगा आपको, पहले डिलीट करना होगा। जैसे मैं ये हिस्सा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं डिलीट प्रेस करता हूँ, तो ये हो गया प्लेन। अब अगर आप फिल करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पैटर्न सिलेक्ट किया मैंने, और पैटर्न में मैं इस बार ये सिंपल फ़ोटो ऊपर फिल कर देता हूँ, ठीक है। सेम प्रोसेस है, आपको इधर भी वही करना है, इतना सिलेक्ट करना है, देन डिलीट, और आपको पैटर्न सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है, डिलीट, पैटर्न सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, डिलीट, देन पैटर्न सिलेक्ट करना है और क्लिक, देन सेव, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। और सेम वही प्रोसेस आपको इस प्रोसेस में भी है, अगर आपको फिल करना है फोटो तो आप फिल कर सकते हैं। फिल या शिफ्ट F5 करेंगे तो ये पूरा आपका बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको केवल पैटर्न सिलेक्ट कर करके, ठीक है, और फिल ही करना है। आपको एरिया सिलेक्ट करना है, देन फिल करना है और कुछ भी नहीं करना है। एरिया सिलेक्ट किया, देन यहाँ पैटर्न सिलेक्ट किया, देन आपको फिल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही इजी है। देन इमरान रजा हनफी, हाँ इमरान रजा हनफी जी
खूब इस सवाल का जवाब मिल गया है। देन आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और हम उसका जवाब देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।